है, ये लाइन बना ली है अभी, 1 2 3 4 चार नंबर चेन में इस तरह से स्टिच देना है। फिर एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हाफ क्रोशी, फिर 1 2 3 हाफ क्रोशी नहीं देना है यहाँ पर, सिर्फ स्टिच देना है। स्टिच देने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाने के बाद यहाँ पर 6 क्रोशियों में फिर से 6 क्रोशी बनाना है। देखिए 6 क्रोशी बना लिए, अभी फिर से 5 चेन, फिर इन चेन में हाफ क्रोशी, फिर 4 चेन, फिर दूसरे चेन में हाफ क्रोशी, फिर 4 चेन, फिर एक हाफ क्रोशी, देखिए अभी 1 2 3 4 5 6 7 अभी 7 चेन बनाए यहाँ पर, पहले 10 फिर 9 फिर 8 अभी 7। 7 चेन बनाने के बाद फिर से 5 चेन और फिर से इन 6 क्रोशियों में 6 क्रोशी, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाने के बाद फिर से क्रोशी के ऊपर से ट्रिपल क्रोशी, फिर 7 चेन, फिर 6 क्रोशियों में 6 क्रोशी, फिर 5 चेन, फिर इस चेन में हाफ क्रोशी, फिर 4 चेन, फिर दूसरे चेन में हाफ क्रोशी। तो यहाँ पर जिस तरह से बनाए यहाँ पर इसी तरह से ये डिजाइन बनाना है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से क्रोशी के ऊपर से एक क्रोशी दिए, इसके ऊपर के लाइन में भी इसी तरह से इस क्रोशी के ऊपर से एक क्रोशी, 6 क्रोशियों के बीच से 6 क्रोशी, 7 चेन, फिर इन क्रोशियों के ऊपर से एक ट्रिपल क्रोशी, फिर से फिर 7 चेन, फिर 6 क्रोशियों के ऊपर से 6 क्रोशी। और यहाँ पर जिस तरह से बनाए अभी देखिए यहाँ पर 10 चेन, फिर 9, फिर 8, इस बार 7 चेन बनाए हैं, फिर इसके ऊपर 6 चेन बनाना है इसी प्रोसेस से, इसके दूसरे लाइन भी इसी प्रोसेस से बनाना है।